ही है, वो तो करना ही है, ठीक है। तो चलो समझते हैं पेज नंबर 14 में क्या करना है। इसके बाद जो है हम लोगों ने वंस टेंस वाला जो है होमवर्क पेज वो दी गई थी, इसके बाद से सारा हमारा बचा हुआ है। लेकिन बीच में जो ये पेज जो है मिस हो गई थी, आप लोगों को होती नहीं है, तो ये पेज हम आज कंप्लीट करेंगे। तो इस पेज में है, आप लोग भी लिंक निकालोगे पेज नंबर 14 और देखोगे कि इस पेज में क्या करना है। मैं इसे रीड करके आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनोगे। बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन, इस पेज में क्या करना है, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन आपको राइट करना है। बिफोर यानी कि पहले वाला नंबर, आफ्टर यानी कि बाद वाला नंबर, और बिटवीन यानी कि बीच में जो नंबर आती है उसको लिखना है। सबसे पहले है राइट व्हाट कम्स बिफोर दिस नंबर, यानी कि ये सब जो नंबर है इससे पहले कौन सा नंबर आएगा। तो नंबर है 55, कौन सा नंबर है 55, तो हम बोर्ड से समझेंगे। जैसे बिफोर में आप एक चीज ध्यान दोगे, बिफोर जब भी रहता है तो पहले ही फिल में लाइन आता है, इसके बाद जो है हमारा नंबर है। 55 है, इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, वो 5 का 5 हम लिखेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, 5 से पहले कौन सा नंबर होता है 4, तो हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 54। ऐसे भी बना सकते हो, या काउंटिंग आपको अच्छे से आती है तो 55 से पहले कौन सा नंबर आता है 54, ठीक है, इस तरह से बना सकते हो। फिर है आफ्टर, आफ्टर यानी कि बाद वाला नंबर, राइट व्हाट कम्स आफ्टर दिस नंबर, यानी कि ये सारी जो नंबर दी हुई है इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें भी आप देखो, बुक में ध्यान से देखो, नंबर है मेरे, उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक है, तो आफ्टर मींस क्या हो जाए, नंबर के बाद में आने वाला नंबर, ठीक है। तो कौन सा नंबर है 11, और फिर फिल इन द ब्लैंक, तो 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 12, ऐसे भी कर सकते हो, या इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, 1 का 1 हम लिख दिए, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, 2 के आफ्टर, ओके। अब है राइट व्हाट कम्स इन बिटवीन दिस नंबर, यानी कि बीच में कौन सा नंबर आएगा, ओके, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर 7। अब जैसे यहाँ पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स और 7, हम रीड करके देखेंगे 5 6 7, यहाँ कौन सा नंबर आ गया हमारा 6, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे 6। इस तरह से बीच वाले नंबर को भी भर के ये कंप्लीट करना है। फिर उसी तरह से यहाँ पे बिफोर है, बिटवीन है, और आफ्टर सेम चीज है। तो इस पेज को आपको बुक से कंप्लीट करना है। अब हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, सिलेबस में हमारा एक दो टॉपिक बचा हुआ है, उसे हम समझेंगे, ठीक है। आप लोगों को काउंटिंग पढ़ाई जा चुकी है 1 to 100, आज आप लोगों को काउंटिंग में पढ़ना है 100 से 200, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 101 111 121 131, यानी कि यहाँ तक 191 तक आपको बोर्ड पे लिखी हुई है। इसके नीचे का नंबर जो है आपको लिखनी है और प्रैक्टिस करना है और इसे लर्न भी करना है। जैसे 101, ये है 100, ये 1 हो गया। अब इसी तरह से हमारे की नंबर लिखे हुए 102 103 104 105 106 107 108 109 और 110, ठीक है। आप ध्यान से देखो इस नंबर को, ये जो आप 1 से 100 तक काउंटिंग लिखते हो उससे मैच कर रही है, ठीक है। इसमें झूठा क्या है, यानी ऐड क्या हुआ है, 1 100 से आगे का नंबर हमको लिखना है, तो
करना, यही याद रखना।